नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम समाकलन के, जैसा कि मैंने अवकलन के पांच महत्वपूर्ण सवालों को बताया, उसी तरह से आज हम समाकलन के पांच जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हुआ है कि हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ ट्रिक होता है। अगर उस ट्रिक को आप पकड़ लिए हैं तो आप सवाल को हल कर पाएंगे, अदरवाइज जो है वो सवाल हल नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत ले लेगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हमें सीखना है। और आज दोस्तों, ये पांच सवाल जो है आपको बिल्कुल ही पूरा करना है, इसमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपको ये पांचों सवाल बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इससे पहले कि हम समाकलन के इस पाँच महत्वपूर्ण सवालों को हल करें, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो समाकलन के जितने फार्मूले हैं वो किसी एक जगह पे लिख लें, क्योंकि अब जो है समाकलन के फार्मूले जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक ना, तो जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन ये तो मेरा हो गया, लेकिन आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये पांच क्वेश्चन जो है, इन पांचों क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक ना, या तो ये या इसी जैसा, ठीक ना। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एकदम यही मिलेगा, लेकिन इसी जैसा ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि हर सवाल में कुछ न कुछ जो है टेक्निक है, कुछ पॉइंट है, उसी को पकड़ना है, ठीक ना। तो पहला सवाल जो है ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन पांच महत्वपूर्ण सवालों को आप करेंगे, ठीक ना। आइए दोस्तों, पहला सवाल हम करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल जो था कि √1 − sin 2x, इसका समाकलन क्या होगा। देखिए, इस सवाल में इम्पॉर्टेंट है कि बहुत बच्चे यही सोचेंगे कि 1 − sin 2x को t माना जाए, ठीक ना, पहली बार दिमाग में ही आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है इस सवाल का, ठीक ना। इस चीज़ को जहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख जाए वहाँ पे समझिए कि त्रिकोणमिति का जो फार्मूला जरूर लगे। 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों, sin²x + cos²x, ठीक ना, ये 1 ही लिखा है, क्योंकि sin²θ + cos²θ = 1 होता है। और sin²x है, sin²x को ले सकते हैं 2 sin x * cos x। दोस्तों, ये फार्मूला है sin²x का, सभी को पता है, मैं साइड में लिख भी दे रहा हूँ, क्योंकि साइन, अगर जो भी फार्मूले नए आएंगे उसे हम बार बार लिखते रहेंगे, फार्मूले आपको याद होने चाहिए, 2 sin x * cos x। क्लियर दोस्तों, sin²θ + cos²θ = 1 था, तो मैंने इसको तोड़ दिया। अगर इसे ध्यान से देखा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो चीज़ है a² + b² - 2ab, ठीक ना, अगर ध्यान से देखा जाए, इसे समझने की ज़रूरत है, ये a², ठीक ना, b² - 2ab, ठीक ना, ये जो चीज़ है ये है a − b² होल स्क्वायर, जहाँ पे कि a की जगह है sin x, b की जगह है cos x, इसका होल स्क्वायर है, ठीक ना। अब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी, ठीक ना, स्क्वायर रूट के अंदर कोई स्क्वायर होता है तो वो बाहर निकल जाता है, ये चीज़ आ जाएगा हमारा sin x - cos x। दोस्तों, ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट था कि इसका जो क्वेश्चन की शुरुआत है वो बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। 1 को किस तरह से sin²x + cos²x लिखा गया, और sin²x को 2 sin x cos x, तो जैसे कि देखिए ये sin x - cos x किस तरह से कन्वर्ट हो गया। इसके बाद जो है, ये समझ में आ रहा ना, ये हुआ क्या है, यहाँ पे ये चीज़ हुआ है a − b² होल स्क्वायर, ये चीज़ हो गया है a² + b² - 2ab, ठीक ना। एक चीज़ और हुआ है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर जो है, स्क्वायर के अंदर ये जो चीज़, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हो तो वो जो बाहर निकलता है तो उसका स्क्वायर बढ़ जाता है, दो चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह से हम जो है क्या पा गए दोस्तों, अब जो है इसका समाकलन बहुत आसानी से किया जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x - cos x। अब देखिए, यहाँ पे आपको समाकलन का फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत छोटा छोटा फार्मूला है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। साइन एक्स का अलग समाकलन कर दीजिए और कॉस एक्स का अलग कर दीजिए। साइन एक्स का दोस्तों समाकलन -cos x, और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, ये माइनस तो ये पहले से पड़ा हुआ है, और यहाँ पे लग जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट। इस तरह से जो है दिए हुए
फंक्शन का जो है समाकलन हम कर पाए। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट आपको हमेशा लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इसमें की पॉइंट जो था ये चीज था। आइए क्वेश्चन नंबर टू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दो है जो साइन अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स इस पूरे फंक्शन का समाकलन करना है। ये भी सवाल जो है 2014, 2017, 2018 में यूपी बोर्ड के, आप जब विद्या क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सवाल मिलेगा, ठीक है। मैं यही नहीं लिख रहा हूँ, और ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आया रहता तो मैं इसे बताता जरूर, क्योंकि ये जो है सब प्रतिस्थापन आपको तीनों इसमें मिक्स रहेगा। प्रतिस्थापन जो है प्रतिस्थापन विधि है, खंडशः समाकलन है, और जो आंशिक भिन्न है, तो आपको पूरा आप जो है बारी बारी से पहले पढ़ाया गया, आप जो है मिक्स सवाल मिलेंगे। आपको यहाँ पे क्या आइडिया लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये साइन अंडर रूट एक्स, ये इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें टी मानना पड़ेगा, यानी कि साइन के साथ जो अंडर रूट एक्स है वो उसे हमें क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये तब क्या हो जाएगा, साइन टी डी एक्स भी हटना चाहिए और ये अंडर रूट एक्स भी हटना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए सब कैसे हटते हैं। यहाँ पे होता क्या है, इसे याद होगा, इसे हम स्टार इक्वेशन देते हैं और यहाँ पे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे अंडर रूट एक्स, ये जो चीज़ हो जाता है डी टी बाई डी एक्स, ठीक ना। अंडर रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या चीज़ आया, यहाँ पे अंडर रूट एक्स का जो अवकलन है, यानी कि इसको कभी कभी डी भी लिख देते हैं, डी फॉर डिफ्रेंसिएशन, ठीक ना। तो ये चीज़ हो जाता है 1/2, ये चीज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, ये चीज़ हो जाएगा अंडर रूट एक्स, टू इधर डिवाइड कर रहा है तो इसको उधर लेते जाइए, ये हो जाएगा 2 dt। दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए ये डी एक्स, ये डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स जो हटेगा वो 2 dt से हटेगा, ठीक ना। अब देखिए कैसे कैसे क्या हट रहा है, इसमें प्रतिस्थापन विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखे होंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा बहुत सवालों को हल किया गया। तो ये चीज़ हो गया साइन टी, और ये डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स पूरा पूरा हटा है 2 dt से, 2 जो है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन टी, क्योंकि 2 जो है कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर हो जाएगा, टी हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 2, और साइन टी का जो समाकलन होता है वो कॉस टी होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक ना। यहाँ पे फिर से क्या क्या टी को हटा दिया जाता है, ये माइनस हो जाएगा कॉस टी, टी को हमने क्या माना था अंडर रूट एक्स प्लस सी, ठीक ना। अब तो ये सब सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सवालों को हल किया गया है बारी बारी से, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया जा रहा है, तो अब आपको धीरे धीरे जो है रिमाइंड हो रहा होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों साइन एक्स माइनस अल्फा अपान साइन एक्स प्लस अल्फा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, आप एक फार्मूला आएगा, आप कक्षा 10 का ही फार्मूला है साइन ए प्लस बी, ठीक ना। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए इंटू सबको पता होगा कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस सवाल में आएगा, इसलिए मैंने पहले इस फार्मूले को पॉइंट आउट कर दिया है, ठीक ना। चलिए पता चल गया होगा, जब माइनस होता है फार्मूले पे यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता है, बाकी सारा वही रहता है। इसमें जो है क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे चीज़ को एक्स प्लस टी को जो नीचे है इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, पूरा टी मानना पड़ेगा। इस सवाल को आप ज़रूर लगाइएगा अगर एग्ज़ाम में आ गया, अगर लगाए हैं नहीं लगाए हैं तो इससे आप हल नहीं कर पाएंगे, इसे हम स्टार इक्वेशन मान देते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसका यूज होता है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा एक नियतांक है या एक तरह से कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक ना। नियतांक जैसे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अंडर रूट 5 एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक ना। एक्स का फंक्शन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक ना। स्टार इक्वेशन का क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष एक्स का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी टी बाई
dx, इस तरह से 1 प्लस 0, ये फाइनली जो आएगा dx इक्वल टू डी टी। तो एक चीज़ तो हो गया कि जो dx हटेगा वो dt से हट जाएगा, x प्लस अल्फा जो हटेगा t। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो दिया हुआ समाकलन है पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दें दूसरे वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल t x में है तो हम वेरिएबल t में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक ना। चलिए ये तो t से हो गया, dx हट जाएगा dt से, लेकिन यहाँ पे ये जो x है ये बहुत मुश्किल है हटाना। तो यहाँ से समीकरण स्टार से देखिए, इसमें यही इम्पोर्टेंट है, समीकरण स्टार से आप देखेंगे कि जब x प्लस अल्फा इक्वल टू टी है तो जो x हटेगा वो हटेगा टी माइनस अल्फा से, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है x हमारा, यहाँ का जो x है ये वाला x हमारा हटेगा टी माइनस अल्फा से। तो अब जो है पूरा का पूरा फंक्शन जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल टी में। तो आइए हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, आई इज़ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा समाकलन साइन जो है यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस अल्फा, माइनस अल्फा पहले से दोस्तों, डी एक्स की जगह हमारा क्या हो गया है डी टी, देखिएगा प्रतिस्थापन वाला है सारा सवाल, और ये जो है साइन टी हो गया, क्लियर है। ये जो है एक्स प्लस अल्फा को तो मैंने टी माना ही है, एक्स प्लस अल्फा को टी, ये आई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टी माइनस टू अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा डी टी, ये जो चीज़ हो जाएगा दोस्तों साइन टी। अब जो देखिए यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी, यहाँ पे इसको ए समझिए और इसको समझिए बी, तो साइन ए माइनस बी के फार्मूले पे ए टूटेगा, मैं पहले बता दिया था इसको कि ये यूज होने वाला है, ठीक ना। इसको हम खोलेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, बी की जगह टू अल्फा माइनस कॉस ए, ए की जगह टी, देखिए ए की जगह टी है और बी की जगह क्या है दोस्तों टू अल्फा है, ठीक ना। कॉस टी इंटू साइन टू अल्फा, ये जो है पूरा का पूरा साइन टी नीचे डिवाइड रहेगा, इधर आ गया डी टी, ठीक ना। ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझ लीजिएगा। अब क्या होगा, देखिए कॉस टू अल्फा है तो वो जो है, क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में करना है, यानी डी टी लिखा हुआ है यानी कि टी के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। अब साइन टी को हर जगह डिवाइड कर देते हैं, ये देखिए दोस्तों ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, साइन टी कॉस टू अल्फा यहाँ पे अलग डिवाइड कर देते हैं, ऐसा बहुत बार किया गया है आपको पता होगा, यहाँ पे कॉस टी इंटू साइन टू अल्फा, ये जो चीज़ हो जाएगा साइन टी, अब जो है ये डी टी, ये चीज़ आप देखिए यहाँ पे साइन टी से साइन टी कट जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन टी से साइन टी कट जाएगा, तो आपको बचेगा कॉस टू अल्फा, देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका अलग कर दीजिए, इसका अलग कर दीजिए, इसे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं डी टी माइनस, ये हो जाएगा कॉस टी अपान कॉस टी, ये जो चीज़ हो जाएगा दोस्तों कॉस टी, यहाँ पे साइन टू अल्फा डी टी, क्लियर दोस्तों। देखिए यहाँ पे कॉस टू अल्फा है क्योंकि ये टी का तो फंक्शन है नहीं, तो ये एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे साइन टू अल्फा है ये समाकलन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस टू अल्फा समाकलन से बाहर आ गया, इसमें बचा वन इंटू डी टी, और यहाँ का साइन टू अल्फा भी बाहर आ जाएगा क्योंकि टू अल्फा, ये अल्फा हमारा कांस्टेंट है, तो साइन टू अल्फा भी हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार हम बोल रहे हैं, देखिए इसमें कितना टेक्निक है साइन टी। तो ये जो चीज़ हो जाएगा आई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू अल्फा, वन का समाकलन दोस्तों टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन टू अल्फा,
दोस्तों ये जो है शाइन टी को जब आप टी मानेंगे, इसका समाकलन देखिए, यहाँ पे कॉस टी अपान शाइन टी डी टी। आप देखिए इसका समाकलन हमें करना है, ये चीज़। इसका समाकलन हम अलग से कर लेते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। इसका समाकलन आप कॉस टी आप अलग से कर सकते हैं रफ में, ये डी टी। तो इसको हम मान लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना। साइन टी को जैसे ही कुछ मान लीजिए, नया फंक्शन मान लीजिए, जेड मान लीजिए। क्लियर है दोस्तों? इसका टीम देखिए, ये जो चीज़ हो जाएगा कॉस टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डी जेड बाई डी टी। ये जो चीज़ हो जाएगा कॉस टी डी टी डी जेड। देखिए कॉस टी डी टी डी जेड से हटेगा और साइन टी जो हटेगा जेड से, इस तरह से जो है ये हो जाएगा 1/z डी जेड। अब 1/dz है ठीक ना, ये चीज़ हो जाएगा लॉग जेड। लॉग जेड जो है फिर हटेगा साइन टी से ठीक ना, ये जो चीज़ है। क्लियर दोस्तों? ये समाकलन इम्पोर्टेंट था, इसे आगे हम कर दे रहे हैं। कॉस टू अल्फा इंटू टी साइन टू अल्फा लॉग, ये जो हम अलग से समाकलन की हुई चीज़ है। टी हमने क्या माना हुआ था दोस्तों? टी हमने माना हुआ था कि एक्स प्लस अल्फा को हमने क्या माना था, टी माना था। तो जहाँ जहाँ पे टी दिख रहा है, फाइनल आंसर हमारा एक्स में होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बहुत बच्चे यहीं पे समाकलन छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा जो है इस समाकलन आ गया, कॉस टू अल्फा टी की वैल्यू जो है एक्स प्लस अल्फा, इसके एंगल में नहीं है, अलग से है। यहाँ पे साइन टू अल्फा यहाँ पे तो है नहीं, लॉग ऑफ साइन टी, टी की जो वैल्यू है एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। क्लियर दोस्तों? तो ये समाकलन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मेरा लास्ट लेक्चर था अनिश्चित समाकलन का, इन तीनों फार्मूले पे हमने सवाल लगाए थे। ये जस्ट ही अभी हमारा लास्ट जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें आप जाके देखेंगे, इन तीनों ही फार्मूले पे मैंने सवाल बताया था, और इस तीनों फार्मूले को कैसे याद करना है वो भी मैंने बताया था। तो दोस्तों पिछला वीडियो जाके आप देखें तो आपको पूरा का पूरा चीज़ क्लियर होगा। इन तीनों फार्मूले में से ही एक फार्मूला ही लगेगा यहाँ पे ठीक ना। ये चीज़ आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू, हर जगह जो चीज़ है यहाँ पे वही यहाँ पे ठीक ना। ए के साइन के हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस आता है ठीक ना। ए साइन यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे ए पॉजिटिव। ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू हर जगह होता है। कैसे फार्मूले को याद किया गया था ये भी मैंने बताया था। तो आप पिछला लेक्चर जो है जाके आप देखें, आपको ये सवाल जो है लग जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूला आपको रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी था। पूरा पूरा जो है खेल इसी फार्मूले पे है, तीनों फार्मूला। इसमें क्या करना है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है अंडर रूट ए के पावर 6, ये जो चीज़ है इसे लिखा जा सकता है एक्स क्यूब का स्क्वायर ठीक ना। यही चीज़ है इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें, और जो इसे भी लिखा जा सकता है ए क्यूब का स्क्वायर, इसे हम नहीं किए, ए क्यूब का स्क्वायर ठीक ना। अगर आप ए क्यूब का स्क्वायर लिखते हैं तो वो ए के पावर 6 ही है ठीक ना। अगर एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखते हैं तो वो चीज़ क्या है, एक्स के पावर 6 ही है। तो मैंने उसे अपने सुविधा के लिए यानी कि फार्मूले पे बैठाने के लिए ऐसा कर दिया ठीक ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो एक्स क्यूब है ये देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है, एक्स क्यूब को हम क्या मानेंगे दोस्तों, टी मानेंगे। तो माना ये चीज़, यही सब भी इम्पोर्टेंट होता है कि हर क्वेश्चन में जो टेक्निक है उसे पकड़ लेना है। अब क्या करते हैं, इसे स्टार इक्वेशन दे देते हैं ठीक ना। स्टार इक्वेशन आप समझ में, अब क्या करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, ये चीज़ हो जाएगा 3x स्क्वायर, हम डायरेक्ट अप करते हैं dx इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा dt।
यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/3 डी टी। देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है 1/3 डी टी से हटेगा। देखिए कहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और ये डी एक्स यहाँ पे है। तो अगर एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दें, तीनों ही टर्म एक्स स्क्वायर, ये ब्रेकेट वाला टर्म यानी कि अंडर रूट वाला टर्म, और डी एक्स, तीनों ही टर्म मल्टीप्लाई में है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स जो हटेगा 1/3 डी टी से हटेगा। इस तरह से जो है ये जो चीज़ हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट ए क्यूब का स्क्वायर, ठीक ना। और ये जो चीज़ हो जाएगा दोस्तों, एक्स क्यूब की जगह टी हटा है प्रतिस्थापन में, जो एक्स क्यूब है टी हटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टी स्क्वायर, और जो डी एक्स स्क्वायर डी एक्स हटा है वो हटा है डी टी बाई 3 से। क्लियर है दोस्तों, ये जो है कायदे से जो 1/3 है वो समाकलन से बाहर आ जाएगा, और ये जो चीज़ है ए क्यूब का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ए क्यूब को आप कुछ देर के लिए एक नया कांस्टेंट मान लीजिए, आपको समस्या कर रहा है, ए क्यूब को नया कांस्टेंट मान लीजिए, उससे बाद में हटा दिया जाएगा ताकि आपको फार्मूले पे बैठाने में दिक्कत ना हो। ए क्यूब की जगह आप क्या मान लीजिए, सपोज करिए कि बी है, ठीक ना, ये जी चीज़ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ये डी टी। आपने क्या कर लिया, ए क्यूब को आपने मान लिया बी, ठीक ना, बाद में हटा दिया जाएगा इसे। अब देखिए ये जो समाकलन है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टी, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला कोई फार्मूला है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फार्मूले पे बैठेगा। ए की जगह हमारा बी है और एक्स की जगह हमारा क्या है दोस्तों, टी है। ये जो फार्मूला होगा ये 1/3 तो हमारा समाकलन से बाहर हमेशा बना रहेगा, एक्स बाई टू यहाँ पे हो जाएगा टी बाई टू, एक्स की जगह टी है और यहाँ पे हो जाएगा जो चीज़ होता है पूरा का पूरा। क्लियर है, इस फार्मूले को देखिए ध्यान से, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो चीज़ है ये यहीं पे उतर जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि टी बाई बी। एक जगह हमेशा ए हो दोस्तों, ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या हो रहा है दोस्तों, तो फाइनल पूरा चीज़ ये आया, हमारा समाकलन हो गया। अब क्या करना है, टी टी हम किसे माने थे, जो ये चीज़ हटा था एक्स क्यूब को टी माने थे, तो टी हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा जो है फाइनल आंसर हमारा हर बार जो है एक्स में होना चाहिए, अगर हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है कि बहुत बार छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो आपका पूरा का पूरा नंबर कट जाता है यहाँ चीज़। अब बी बी को भी हटा देते हैं ए क्यूब से, तो ये जो हो जाएगा ए के पावर 6, और जो टी है टी की वैल्यू देखिए एक्स क्यूब है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, टी स्क्वायर क्या निकल के आएगा, एक्स के पावर 6। तो ये जो चीज़ हो जाएगा एक्स के पावर 6, ये फिर से हो जाएगा बी की जगह, ठीक ना, जिसमें ये देखिए जो बी की जगह ए क्यूब है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये चीज़ हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए के पावर 6, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। फाइनली क्या हुआ, ए के पावर 6/2 साइन इनवर्स टी क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब बाई बी, बी की जगह क्या है ए क्यूब। इस तरह से ये जो है यहाँ पे लास्ट में इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लगा दिए, ये जो है हमारा समाकलन हो गया। ये जो 1/3 है दोस्तों इंटीग्रेशन से पूरा का पूरा बाहर रह गए, ये जो है इसे आप जरूर लगाइएगा सवाल को, ठीक ना, सिर्फ देख के काम नहीं होगा, रफ कॉपी दोस्तों निकाल लीजिए, और जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप भी करिए, कहीं पे छोटे मोटे जगहों पे कहीं कहीं समाकलन मिस्टेक हो जाता है, लिखने में और बोलने में सेम रहता है लेकिन कभी कभी गड़बड़ जाता है, तो उसे आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है उसे सही कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले दोस्तों हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। कोई ये छात्र ना कहे कि सर वीडियो नहीं मिल रहा है, अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो आपको नोटिफिकेशन जो है नहीं मिलेगा, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप किसे टी मानते हैं, जो आपका प्रतिस्थापन होता है वो किसको आप जो है प्रतिस्थापित करते हैं, किस फंक्शन करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें जैसे ही लॉग एक्स, इस लॉग एक्स को चाहे इस लॉग एक्स को माना, लॉग एक्स को जैसे ही आप टी मानेंगे तो ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है सवाल हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स है नीचे, ये एक्स है, इस एक्स को चाहे तो हम डी एक्स बाई एक्स, इस एक्स को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन हो जाता है लॉग एक्स का 1/x और टी का हो जाता है डी टी बाई एक्स के रिस्पेक्ट डी एक्स। इससे क्या कंक्लूजन आएगा, डी एक्स बाई एक्स ये जो चीज़ हो जाएगा डी टी। ये जो डी एक्स बाई एक्स आया है यानी कि डी एक्स बाई एक्स, देखिए ये एक्स यहाँ पे पड़ा है, इसको मन में समझिए कि ये एक्स यहाँ नहीं यानी कि डी एक्स बाई एक्स है, बटे में तो है ना, ये चीज़ हो जाएगा डी टी से हट जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक प्रतिस्थापन आपका जो सही प्रतिस्थापन लॉग एक्स जो है टी हो गया, यहाँ पे टी माइनस वन, यहाँ पे हो गया टी प्लस वन, और जो डी एक्स हटेगा दोस्तों वो हट जाएगा डी टी से, क्योंकि ये एक्स जो है डी एक्स, देखिए हम इसको यहाँ लिख ही दे रहे हैं, यहाँ पे इसको यहाँ से काट दे रहे हैं, हालांकि सवाल में एक्स जो है यहाँ पे था तो यहाँ पे हो गया, ये जो है डी एक्स बाई एक्स, जो डी एक्स बाई एक्स है डी टी से हट गया। अब जो है ये जो सवाल है ये तुरंत आपका हल हो जाएगा विद इन 1 मिनट, अगर आप इस चीज़ को किए हों तब। ये जो हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए की जगह टी है, बी की जगह वन है, वन का स्क्वायर, इस तरह का फार्मूला आप जो है दोस्तों पढ़े हुए हैं, अगर हम याद कराएं, खूब सवाल कराया गया है कि इस तरह का फार्मूला हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इसका समाकलन क्या होता है, 1/2a यहाँ पे हो जाता है लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, इस फार्मूले को याद करिए। तो क्या इसी फार्मूले पे ये आपको बैठता हुआ मिल रहा है, ये चीज़ है ठीक ना, इसी फार्मूले पे अगर हम रख दें, बस एक्स की जगह टी है और ए की जगह जो है वन है, ये जो चीज़ है आप पाएंगे 1/2a, ए की जगह दोस्तों वन है, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स टी माइनस ए की जगह वन टी प्लस वन, ये जो चीज़ हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे लॉग और टी फिर से हट जाएगा क्योंकि ये बाद में फिर आपको हटाना पड़ेगा, तो टी जो है दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे लॉग एक्स माइनस वन, और ये जो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन, यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, आपका ये पूरा का पूरा ये जो है यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने समाकलन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा प्रयास था। अभी आप जब सवालों को किए होंगे तो पूरा मिक्स आपको ये मिला होगा ठीक ना, वैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो पूरा पार्ट वाइज पढ़ रहे थे कि हाँ ये आंशिक भिन्न का है, ये प्रतिस्थापन का है, ये खंडशः समाकलन का है, लेकिन ये जो है पूरा मिक्स हो गया, तो एग्ज़ाम जब आप देंगे तो उसमें तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि चलो खंडशः समाकलन, क्योंकि वो तो पूरी किताब आएगी, आपको धीरे धीरे जो है आदत डालनी पड़ेगी, सवाल कहीं से भी आए वो चीज़ क्या है पकड़ में आ जाए। तो इसी तरह से दोस्तों हर 5 हफ्ते में करीब 2 लेक्चर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पड़ेगा, और साथ में आपका जो सिलेबस भी है वो कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। अगला जो हमारा समाकलन में पार्ट है वो निश्चित समाकलन का है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, निश्चित समाकलन से आपको जो है 7-8 नंबर जो है हमेशा मिल जाते हैं, तो निश्चित समाकलन जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ठीक ना, तो उसको हम लोग करेंगे। ये 5 सवाल जो है दोस्तों आप जो है जैसे मैंने हल किया है उसे आप ज़रूर करें जाके, रफ कॉपी ले के करें, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा ठीक ना, तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप करें, सिर्फ देखने से नहीं कुछ करने से होगा ठीक है दोस्तों। तो जो भी बच्चे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हम लोग का जो प्रयास करने का जो उत्साह होता है, ठीक है, कि हम लोग और बेहतर करें, वो आपके सब्सक्राइब और लाइक पे ही डिपेंड करता है। अगर आपका रिस्पांस उतना अच्छा नहीं रहेगा, अगर कोई भी गलती भी हो रही हो किसी प्रकार की, तो आप प्लीज़ उसे जो है सुझाव के रूप में दें, उसे गलत वे में ना लें, ठीक ना। हम लोग भी इंसान ही हैं, गलत गलती हो सकती है, तो उसे आप जो है एक लाइटली बोल सकते हैं, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।